आईपीएल को शुरू होने में आज अब कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आईपीएल के शुरू होने से ठीक पहले बीसीसीआई ने आईपीएल के नियमों में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब आपको आईपीएल की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आखिर बीसीसीआई ने 2023 के आईपीएल से पहले क्या क्या बदलाव कर दिए हैं, आइए उस पर एक नजर। अब फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी प्लेयर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल के 16वें सीजन में टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू करने की तैयारी में है। बोर्ड ने इसके लिए सभी फ्रेंचाइजी को मैसेज नोट भेजा है। ये नियम लागू होने के बाद एक मैच में एक टीम की ओर से 12 खिलाड़ी खेलते हुए दिखलाई दे सकते हैं। हालांकि एक पारी में सबसे ज्यादा 10 विकेट ही गिर सकते हैं। बीसीसीआई के मैसेज नोट में बताया गया है कि 2023 के सीजन में से सब्स्टिट्यूशन लागू रूल होगा। नए नियम को जल्दी विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन का नियम वैसा ही होगा जैसा घरेलू टी20 टूर्नामेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनाया गया था। टॉस के समय मैच खेल रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के साथ चार चार सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम भी देने होंगे। इनमें से एक एक प्लेयर को दोनों टीमों मैच के दौरान प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी से रिप्लेस कर सकती है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन का फैसला पूरी तरीके से टीमों पर रहेगा। वे चाहे तो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक 11 प्लेयर्स के साथ ही खेल सकती है। रिप्लेस होने के बाद नया खिलाड़ी ही पूरा मैच खेलेगा। मैच के दौरान एक बार बेंच पर जाने के बाद रिप्लेस किया जाए खिलाड़ी वापस मैदान में नहीं आ सकेगा। भारत का घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल अक्टूबर नवंबर के दौरान खेला गया। इस दौरान इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंपैक्ट प्लेयर रूल शामिल किया था। इसके तहत टॉस के समय टीमें चार चार सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स का नाम दे रही थी जिन्हें मैच के दौरान रिप्लेस किया जा सकता था। नए आईपीएल के रूल को अभी तक डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन अगर यह रूल SMAT यानी कि सैयद मुश्ताक के तरह इंपैक्ट प्लेयर रूल की तरह हुआ तो दोनों ही पारियों में 14वें ओवर तक टीमों के प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकें, यानी कि आखिरी 6 ओवर में टीम प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगी। टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन रूल के तहत किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है, भले ही वे बैटिंग कर रहे आउट हो गया हो या अपने कोटे के ओवर डाल चुका हो। यानी जो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होकर मैदान पे आएगा वो पूरी बैटिंग कर सकता है और अपने कोटे के पूरे 4 ओवर भी डाल सकता है। बहरहाल पूरी खबर लिख रहा आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में के साथ ही इस अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।